व्हाट्सअप गाइस, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का फ्री फायर की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो भाई लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहा था कि भाई हम लोग का जो न्यू इवेंट चल रहा है, यानी कि हम लोग का जो फिलिप वाला जो इवेंट चल रहा है, इसमें से बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रहा है कि उन लोगों को मतलब जो लेवल का कार्ड होता है, मतलब कुछ भी होता है, एक भी करेक्टर वो अनलॉक नहीं कर पाता। मतलब एक को अनलॉक करने का ओपन करता है, दूसरा उसका मतलब कुछ से कुछ और निकल जाता है। लेकिन क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ पर से आपको दो कार्ड फ्लिप करना होगा, जिसमें दो कार्ड मगर सेम अगर आपका सेम आइटम निकला तो आपको यहाँ पर से वो चीज़ मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आ रहा कि यहाँ पर से किस तरीके से आपको मिलेगा। तो हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं और हिंट देने वाले हैं, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ से लेवल 8 का कार्ड या फिर कोई भी करेक्टर को अनलॉक कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको बता देगा, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स या फिर कोई भी इवेंट होता है मैं आपको फुल डिटेल्स के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। तो क्या जैसे मैं आपको बताया तो कुछ जो इसका हिंट है, उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर से हम लोग को आपको बताइए कि दो दिन तक जो हम लोग फ्लिप वाला इवेंट जो वो सही से चला नहीं था, यानी कि बहुत दिक्कत रहा था, जिसमें मूव कर रहा था तो यहाँ पर से हम लोग कार्ड फ्लिप ही नहीं हो रहा था और हम लोग का जो कार्ड है वहाँ पर से ख़त्म हो रहा था। तो आप सबको पता है कि यहाँ से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 कार्ड मिलता था डेली फ्लिप के लिए, 10 कार्ड मिलता था। बट अब गरीना ने बता दिया कि आप जो दो दिन जो आपको दिक्कत आई है, इसकी वजह से आपको 10 नहीं, आपको डेली जो है 14 कार्ड मिलेगा। और फाइनली मेरे को यहाँ पर से 14 फ्लिप मिला भी था, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस बात को एक्सपेक्ट किया होगा कि यहाँ पर जो आपको फ्लिप का ऑप्शन देख पा रहा है, अभी जो मेरे पास है वो 2 कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको 14 कार्ड मिलता है, 14 कार्ड आपको मिलता है। तो मेरे को भी 14 कार्ड मिला था, जिसमें से मैंने 12 कार्ड यूज़ कर चुका हूँ और यहाँ पर से मेरा 2 कार्ड बचा हुआ है। तो यहाँ पर दो दिन जो हम लोग के गेम प्ले सही से नहीं, मतलब गेम जो सही से नहीं चला, तो 10 ही फ्लिप देने का बात था, बट यहाँ पर से हम लोग को अब जो है 14 फ्लिप मिलेगा। तो आज हम लोग कितना हो गया भाई, 23 तारीख हो गया, और ये इवेंट जो आपको चलेगा वो आपको 27 तारीख तक चलेगा, यानी कि 4 दिन 5 दिन आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो आप यहाँ से किसी भी चीज़ को किस तरीके से अनलॉक कर सकते हैं। तो गाइस आप, मैं यहाँ पर से एक कार्ड ओपन करता हूँ, सिंपल यहाँ पर से मैं कोई भी एक कार्ड ओपन करता हूँ यहाँ से, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर से मेरे को ये वाला बंडल निकला, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट लेना है, ठीक है। तो आपको डेली कितना कार्ड मिलेगा यहाँ से, 14 कार्ड मिलेगा। तो यहाँ पर 14 कार्ड में आपको आप 7 स्पिन कर सकते हैं, ठीक है। एक आपको तो 14 स्पिन कर सकते हैं, मतलब 14 कार्ड को फ्लिप कर सकते हैं, जिसमें से आपको मतलब हर चीज़ को यहाँ से आपको स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा। जैसे आप इसका किए तो आपको ऐसे यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट ले लेना है, फिर आपको दूसरा कार्ड ओपन करना है, और ओपन करने के साथ साथ आपको यहाँ पर से स्क्रीन शॉट लेना है। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो वो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर से आपको फ्लिप करने के साथ साथ आपका जो कार्ड है वो यहाँ से मूव हो जाएगा और आपको जो सिंपल सा आ जाएगा। तो अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर से मैं दूसरा कार्ड यहाँ से ओपन करता हूँ, यहाँ से कोई भी कार्ड, तो यहाँ से मेरे को सेम करेक्टर आना चाहिए तभी मेरे को यहाँ से मिलेगा। तो सेम करेक्टर नहीं मिला, तो आप देख, अगर आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू था तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं बैक में जाके कि आपका जो उसमें, यानी कि आपका वो वाला जो करेक्टर था वो कहाँ पे था, और दूसरा जो करेक्टर आपको ओपन हुआ वो कहाँ से था। यानी कि आपको 14 कार्ड यहाँ से ओपन करना होगा, जिसमें से आपको 14 कार्ड का जो भी उसके अंदर में है आपको वहाँ से दिख जाएगा। दूसरा दिन अगर आप ओपन करते हैं तो आपको 28 कार्ड टोटल हो जाएगा। तो 28 कार्ड में आप चेक कर सकते हैं कि 28 कार्ड में कौन सा करेक्टर कहाँ कहाँ पे है। उसको तीसरा दिन जब आपको मिलेगा 14 कार्ड, तो आप उससे हर बार, यानी कि एक कार्ड को स्पिन करके दूसरा बंडल आप इजीली यहाँ से, मतलब दूसरा करेक्टर आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको आज समझ में आ गया होगा कि मतलब सिंपली करना क्या है, आपको एक फ्लिप करना है, उसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो उससे सबसे बेटर रहेगा। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा आपको जो वो वाला बंडल का, मतलब वो वाला करेक्टर जो है वहाँ पर हाइड है, उसको दूसरा जैसे आप फ्लिप करते हैं तो वहाँ से दूसरा का स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बॉक्स में वो वाला करेक्टर है और इस बॉक्स में ये वाला करेक्टर है। दो दिन आपका वेस्ट जाएगा, उसको तीसरा दिन जो है 14 कार्ड जो आपका रहेगा, 7 करेक्टर आप आज वहाँ से इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो यहाँ पर से ये कार्ड है, यानी कि जो लेवल आपका जो कार्ड है, ये भी आप बहुत ही आसान तरीके से ले सकते हैं। उसके अलावा दूसरा ट्रिक आप फॉलो कर दे, अगर आपको याददाश्त उतना भी टेंशन नहीं है कि आप एक बार देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो बंडल था, यानी करेक्टर था, वो कहाँ पर है, या फिर आपका जो लेवल 8 का कार्ड है वो आपको कहाँ पर है, क्योंकि तब तक आप भूल जाते हैं। इसीलिए अगर सबसे, अगर आपको यहाँ से कोई भी सब चीज़ का, अगर आप जितना भी करेक्टर है टोटल को, अगर आपको यहाँ से अनलॉक करना है या फिर आपको यहाँ से लेवल 8 का कार्ड लेना है, तो आपको सबसे आसान तरीका और सबसे आसान ट्रिक जो होता है, आपको सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ से आपको 28 कार्ड आपको यहाँ पर से, अगर आपको याद आ जाता है कि यहाँ पर से 28 बंडल आपको दिख रहा है, क्योंकि वहाँ से आप पिक्चर में मिला लीजिएगा कि भाई मेरे ये वाला बंडल कहाँ पर है, वो वाला बंडल कहाँ पर, सिंपल आप वहाँ पर उस कार्ड पर फ्लिप कीजिएगा, उसके सेकेंड में उसका जो दूसरा कार्ड है उस पर आप फ्लिप कीजिएगा।
तो आपका दोनों कार्ड जो है मैच हो जाएगा और आप कुबो बंडल यहाँ से बिल्कुल फ्री में यानी कुबो वाला करेक्टर जो है यहाँ पर से आपको इजीली ले सकते हैं। तो सिंपल आप 2 दिन कीजिए 28 कार्ड आपको, उसको तीसरा दिन 14 कार्ड के यानी 7 करेक्टर आप एक दिन में अनलॉक कर सकते हैं, उसके दूसरा दिन आप फिर से 7 करेक्टर आप इजीली अनलॉक कर सकते हैं। तो आपको 4 दिन बचा हुआ ना, अगर 4 दिन में अगर आप जो मैंने टिप्स बताया जो मैंने ट्रिक बताया इस ट्रिक का आप फॉलो करते तो बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आप टोटल जितना भी 14 करेक्टर है आप 14 करेक्टर को यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। और वैसे भी आप लोगों के पास बहुत सारे करेक्टर ऑलरेडी पहले से होगा 5-10 तो इस टाइप का होगा ही, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग का लेवल जो ऐड का कार्ड है वो। तो इस तरीके से आप इजीली ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना सही बताना था, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उसे भी समझ में आ जाए किस तरीके से आपका यहाँ से जो लेवल का कार्ड है वो मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना सही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।